दारा सिंह को देखने के लिए पब्लिक बेकरार, अक्षय की फिल्म का फुस हुआ कारोबार। बैठे बिठाए 90 करोड़ मिल रहे थे, अक्षय ने सनी से टकराने के चक्कर में डील छोड़ दी। रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार ने सनी के डर से मैदान खाली कर दिया, फिर भी अक्षय की बुद्धि नहीं खुली। कोई भी सिंगल स्क्रीन वाला अक्षय की फिल्म हाथ लगाने को तैयार नहीं, हर कोई गदर पर दाव लगा रहा है। बीतते हुए दिनों के साथ ही पब्लिक में 11 अगस्त का इंतजार बढ़ता जा रहा है। इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर तारा सिंह और अक्षय कुमार की टक्कर होने वाली है। गदर के सामने OMG 2 उतरने जा रही है। एक दौर था जब अक्षय कुमार का फिल्म में होना भर सफलता की गारंटी माना जाता था। अक्षय की छवि मोदी सरकार के समर्थन की रही और इसका उनकी फिल्मों पर खासा असर और फायदा देखा गया। हालांकि कोरोना काल के बाद भी अक्षय का जादू खत्म होता नजर आया। सूर्यवंशी को छोड़ दें तो उनकी कोई फिल्म अपनी लागत तक नहीं वसूल कर पाई। हालात ऐसे हो गए कि प्रोड्यूसर अक्षय पर दाव लगाने में हिचकिचाते रहे। अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे अक्षय कुमार ने ऐसे हालात में भी सनी देओल से पंगा लेने का प्लान बना लिया है और ऐलान भी कर दिया है। OMG 2 के प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार से बार बार कहा कि जियो सिनेमा वाले उनकी फिल्म 90 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। डील लगभग लॉक हो चुकी है, पर अक्षय अड़ गए कि मैं अपनी फिल्म थिएटर में ही रिलीज करूंगा। अब अक्षय की फिल्म के बॉक्स ऑफिस से 25 करोड़ रुपए कमा पाना भी टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। 11 अगस्त को सनी देओल के गदर के साथ ही रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल भी आ रही है। रणबीर कपूर फिलहाल अक्षय कुमार से बड़े स्टार हैं। उनकी बीती दिनों फिल्में ब्रह्मास्त्र और तू झूठी मैं मक्कार सुपरहिट रही है। एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वागा ने कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है और ऐसे में सबको लगा कि रणबीर सनी देओल के आगे हथियार नहीं डालेंगे। पर जैसे ही गदर 2 का टीजर रिलीज हुआ, रणबीर कपूर को आटे दाल के भाव पता चल गए। एनिमल का टीजर मार्केट में आ चुका है, इसके बावजूद रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है। वो समझ चुके हैं कि 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर गदर का जलजला आएगा, तारा सिंह के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। इसके बावजूद अक्षय कुमार का अड़ना बता रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। देश भर के सिंगल स्क्रीन पर सिर्फ गदर की एडवांस बुकिंग हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय की फिल्म खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इंडिपेंडेंस डे के दौरान देशभक्ति वाला माहौल रहेगा और इसलिए पब्लिक सिर्फ गदर देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंचेगी। 2 अगस्त यानी कि बुधवार को अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की ओ माई गॉड 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है। अक्षय कुमार की सोशल ड्रामा फिल्म की ओपनिंग डे पर महज कुल 500 टिकट ही बिकी है। 500 टिकट बिकने के साथ ही इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन महज 2 लाख तक हुआ है, जो गदर 2 की एडवांस बुकिंग के मामले में बेहद ही कम है। रिलीज से एक शुक्रवार पहले यानी कि 4 अगस्त तक गदर 2 की 56,000 टिकटें बिक चुकी हैं। OMG की केवल 7,300 टिकटें ही बिकी हैं। फिल्म समीक्षक कह रहे हैं कि अगर OMG 2 असफल हो जाती है तो कोई भी प्रोड्यूसर अक्षय कुमार पर अब बड़ा दाव नहीं लगाएगा। अब तक का आंकड़ा बता रहा है कि गदर 50 करोड़ के आसपास ओपनिंग ले सकती है, जबकि अक्षय की पिक्चर को पहले दिन 5 करोड़ कमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और ऐसे में डर है कि अक्षय कुमार ने सनी देओल से टकराने का जो जोखिम मोल लिया है, वो उनका करियर हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आपके हिसाब से अक्षय सनी के सामने टिक पाएंगे या पहले ही दिन बोरिया बिस्तर समेट कर बैक टू द पवेलियन लौट जाएंगे?